भारत का संविधान भाग 9 का नगर पालिकाएं 243 इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो परिभाषाएं अनुच्छेद 243 इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो का समिति से अनुच्छेद 243 ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। ख जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। ग महानगर क्षेत्र से 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के परियोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करे। घ नगर पालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। अंग नगर पालिका से अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। च पंचायत से अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है। छ जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन 243 थ एक प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार का किसी संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। ख किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का और ग किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं और अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में वे निर्दिष्ट करे। दो इस अनुच्छेद में संक्रमणशील क्षेत्र लघुतर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के परियोजनों के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या जिसमें जनसंख्या की सघनता स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा वे निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 द एक खंड दो में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे। दो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क नगर पालिका में एक
नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति का। दो, लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं। तीन, राज्यसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। चार, अनुच्छेद 243 ध के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, परंतु पैरा एक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। ख, किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 ध 1, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 ध 1, ऐसी नगरपालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। दो, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत, ख उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। तीन, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। चार, जहां कोई वार्ड समिति का एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, या ख दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा उस समिति का अध्यक्ष होगा। पांच, इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है। अनुच्छेद 243 न स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 न 1, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित प्रत्येक अनुच्छेद 243 न 1, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। दो, खंड एक के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। तीन, प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम एक तिहाई स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।
चार, नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। पांच, खंड एक के खंड दो के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड चार के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। छः, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगर पालिका में स्थानों के या नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।